तो दोस्तों मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग शुरू में इंट्रो देखे हुए हैं उसी तरीके से आज हम लोग इंस्टा उसके बाद फेसबुक स्टोरेज में हम लोग कैसे बना सकते हैं। दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को ज़रूरी नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे पहले आप लोग फेसबुक से ही बना सकते हैं ऐसे वीडियो, उसके बाद इंस्टाग्राम से भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम से बना करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद ओपन करिएगा। इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा आप लोग का इंस्टाग्राम का। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, योर स्टोरेज दिखा रहा है इस पर प्लस आइकन पे क्लिक करिएगा। कुछ इस तरह से आप लोग को फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड पहले से ही आप लोग जो है गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला इस तरह से हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों अब आप लोग को टेक्स्ट दिखा रहा है, उसके बाद साइड में स्टिकर दिखा रहा है, तो हम लोग स्टिकर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग इस पे जो है सर्च करने वाले हैं नैनो सर्च करेंगे। तो इस तरह से सर्च करने के बाद कुछ हम लोग को फिर से एक इंटरफेस इधर सर्च लिस्ट दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ दिखा रहा है। तो इसमें में से हम लोग को एक फ्रेम या नैनो या हम लोग 3D फ्रेम हम लोग सर्च कर दें। 3D फ्रेम सर्च करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग को इसी में से कोई भी एक हम लोग को फ्रेम लेना है। तो दोस्तों आप लोग को जो अच्छा लगे वही आप लोग इधर से उठा लेना है। तो दोस्तों अब देख रहे हैं सब हमारा इधर आप लोडिंग ले रहा है। तो इस तरह से सब लोडिंग हो जाएगा। तो आप लोग को जो भी अच्छा इसमें में से लगे वही आप लोग जो है अपने वीडियो में लगाना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो हम लोग को इसमें से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अपने लिए, तो इसको ही सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसका जो है साइज इस तरह से बढ़ा लेना होगा। उसके बाद हम लोग इसको जो है इधर रख देंगे। अब फिर से हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 3D इसी को ही हम लोग सर्च करेंगे इधर 3D फ्रेम। तो फिर से दोस्तों हम लोग उसको ही ले लेंगे। उसके बाद हम लोग को इस तरह से बढ़ा करके एक साइज का ही बॉक्स हम लोग इधर रख देंगे। फिर से हम लोग उसी तरीका से फिर से सर्च करेंगे 3D फ्रेम। उसके बाद फिर से हम लोग उसको ले लेना है। अब इस तरह से लेने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से मेरा बन गया। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, फिर से उस पर क्लिक करके 3D हम लोग को 3D फ्रेम सर्च करना होगा। अब हम लोग को दोस्तों कुछ इस तरह से फिर से दिखाएगा। तो हम लोग को एक जो है हम लोग को इस साइज का जो है फ्रेम लेना होगा जो कि हम लोग इधर लगा सकें। तो इस तरह से हम लोग को इधर लगाना होगा दोस्तों। अब हम लोग को दोस्तों इस तरह से लगा करके अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा और छोटा कर देंगे। इसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग को छोटा कर लेना होगा। उसके बाद इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे जो कि हम लोग को थोड़ा टेक्स्ट में भी लिखने के लिए कुछ मिल जाए। अब हम लोग को दोस्तों इस तरह से करने के बाद अब हम लोग को फिर से इस पर क्लिक करके अब हम लोग को लाइट्स करके हम लोग सर्च करेंगे। लाइट्स करके सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोग को कुछ इस तरह से फिर से देखने को मिलेगा। कुछ आप लोग इसको भी क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जो है मैं बता दूँ इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम लोग ले आ करके इधर लगा लेंगे। इधर लगाने के बाद दोस्तों अब इसको हम लोग इस पर कर देंगे। इस तरह से करने के बाद दोस्तों अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग को इधर से सेव कर लेना होगा जो कि इस तरह से सेव कर लेंगे। फिर से हम लोग काटेंगे दोस्तों। यह सेव होने के बाद फिर हम लोग इसको काट करके फिर से स्टोरेज में आना है हम लोग को। सो दोस्तों सेव हो गया, अब हम लोग काट देंगे इसको। उसके बाद फिर से हम लोग बैक आएंगे, फिर से स्टोरेज में जाएंगे। उसके बाद हमारा जो है इधर देखिए 5 सेकंड का सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब ये बॉक्स हमारा इधर उधर नहीं हिलेगा। अब फिर से हम लोग उसी स्टिकर में जा करके नीचे के स्क्रॉल करते हुए आएंगे। उसके बाद इधर इमेज वाला जो आइकन दिखा रहा है, यदि आप लोग को इंस्टा में नहीं दिखा रहा है तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम अपलोड अपडेट कर लीजिएगा। तो हम मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं अपना फोटो जो है सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है छोटा कर लेंगे, इस साइज का मिला लेंगे दोस्तों इस तरह से।
साइज मिला करके रख देना है दोस्तों। फिर से हम लोग क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट करेंगे, फिर से साइज मिला करके तीनों बॉक्स में हम लोग को लगा देना है। इस तरह से बॉक्स में लगा देना है दोस्तों। फिर से मैं क्लिक करके इस बॉक्स में भी फोटो लगा दे रहा हूँ। तो इतना काम करने के बाद फिर से हम लोग क्लिक करके एक फोटो और ले लेंगे हम लोग, जो है इस तरह से इस पे लगा देंगे। थोड़ा इसको भी हम लोग छोट कर देंगे और। तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों इस तरह से मिला लेना है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा, इधर से देखिए आप लोग को इफेक्ट में आप लोग क्लिक करिएगा। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोग इफेक्ट भी इधर से और इफेक्ट भी इधर से आप लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कुछ ये वाला इफेक्ट हम लोग लगाएंगे, उसको डन कर देंगे। डन करने के बाद अब हम लोग को जो है इधर से म्यूजिक पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद अब हम लोग को कोई भी इधर से एक जो है सॉन्ग हम लोग इधर से ओके कर लेंगे, पहले डन कर देंगे दोस्तों। अब इस तरह से देखिए इसको जो है डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट भी हो जाएगा। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो पहले पहल तुझे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिसकी मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो।